मेगा मॉल मेन बुलीवर्ड का मालिक कौन? नैब ने तहकीकात का आगाज कर दिया। नैब ने प्लाजे की मलकियत के हवाले से दस्तावेजात एलडीए से मांग ली और एलडीए ने मेगा मॉल टावर का रिकॉर्ड इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। आपको ताज़ा तरीन तफसीलात से आगाह कर रहे हैं। मेगा मॉल मेन बुलीवर्ड का मालिक कौन है? नैब ने तहकीकात का आगाज कर दिया है। नैब ने प्लाजे की मलकियत के हवाले से दस्तावेजात और तमाम तर चीज़ें एलडीए से मांग ली हैं। एलडीए ने मेगा मॉल टावर का रिकॉर्ड इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। आपको ताज़ा तरीन तफसीलात से अपडेट कर रहे हैं। एलडीए ने मेगा मॉल टावर का रिकॉर्ड इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। नैब ने प्लाजे की मलकियत के हवाले से दस्तावेजात भी जमा करना शुरू कर दी है। मेगा मॉल मेन बुलीवर्ड का मालिक कौन है, ये सवाल किया गया है नैब की जानिब से और नैब ने तहकीकात का आगाज कर दिया है। नैब ने प्लाजे की मलकियत के हवाले से दस्तावेजात एलडीए से मांग ली हैं। एलडीए ने मेगा मॉल टावर का रिकॉर्ड इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। आपको बताते चले, नैब ने प्लाजे की मलकियत के हवाले से दस्तावेजात एलडीए से तलब कर लिए हैं। इस हवाले से मजीद जानेंगे शेख जैन से। जी शेख जैन, अपडेट कीजिएगा तफसीलात से। एक और प्लाजे की तहकीकात का आगाज कर दिया गया है और इस सिलसिले में नैब की जानिब से मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग पर वाकई मेगा मॉल के हवाले से तहकीकात का आगाज किया गया है और एलडीए से जवाब तलब किया गया है कि ये प्लाजा किसके नाम है। इस सिलसिले में नैब की जानिब से एलडीए को जो मरासला लिखा गया है उसमें ये कहा गया है कि इस मेगा मॉल जो टावर है इसका जो तमाम रिकॉर्ड है ये नैब में जमा करवाया जाए, ताहम इस रिकॉर्ड के हसूल के लिए शोभा टाउन प्लानिंग की जानिब से प्लाजे के मलकीती रिकॉर्ड और इसकी जो एग्जेम्पशन और अलॉटमेंट का मामला है उस हवाले से एक शोभा स्टेट मैनेजमेंट और शोभा लैंड डेवलपमेंट को भी मरासला लिखा गया है, जबकि दूसरी जानब अथॉरिटी के शोभा टाउन प्लानिंग ने प्लाजे की तमीर और इसके नक्शे में होने वाले गैर कानूनी तमीरत के हवाले से भी जो रिकॉर्ड है वो इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। ताहम ये जो तमाम रिकॉर्ड है ये इकट्ठा करने के बाद 26 सितंबर तक नैब को जमा करवाया जाएगा। बिल्कुल, मॉल टावर का रिकॉर्ड इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। शुक्रिया शेख जैन आपका।